आप तो 5 साल तक हम लोगों के साथ रहे, हम मिट्टी खोज रहे हैं किस मिट्टी में मिले हैं। नीतीश कुमार जी 18वां साल है मुख्यमंत्री का आपका, उनको पता नहीं, हमको याद भी होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आजकल उनका मेमोरी थोड़ा लॉस हो रहा है। हम लोग उनको तो आदरणीय कहते थे, लेकिन अब वो इतना पलटी मारते हैं तो हम लोग क्या करें। नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डीएनए खराब हो सकता है, लेकिन बिहारी का डीएनए पूरी तरह अच्छा है। और इस देश, और आप जानते हैं आज तो देश में 3 तरह की धारा चल रही है। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटते रहता है। 2014 याद कीजिए साथियों, नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं भाजपा के साथ जाऊंगा, इससे अच्छा मिट्टी में मिलना पसंद करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ही 34 विधायकों के साथ लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाकर, हमने तो कहा कि राजनीतिक तौर पर आपको मिट्टी में लोग मिलाएंगे, लेकिन उनको समझ में आया उन्हीं को हम मिट्टी में मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल कुछ लोगों को लगता है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, हमने कल कहा तो बड़ा आजकल तीता लग गया उनका। तो आजकल नीतीश बाबू का भी मेमोरी लॉस कर जाता है, उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। अब इससे बड़ा मर्यादा क्या हो सकता। लेकिन आजकल कुछ लोगों को लगता है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, हमने कल कहा तो बड़ा आजकल तीता लग गया उनका। अरे हमने कहाँ कहा था, 2014 याद कीजिए साथियों, नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं भाजपा के साथ जाऊंगा, इससे अच्छा मिट्टी में मिलना पसंद करूंगा। अरे भाई आप तो 5 साल तक हम लोगों के साथ रहे, हम मिट्टी खोज रहे हैं किस मिट्टी में मिले हैं आप पता नहीं। हमने तो कहा कि राजनीतिक तौर पर आपको मिट्टी में लोग मिलाएंगे, लेकिन उनको समझ में आया उन्हीं को हम मिट्टी में मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार से नहीं है, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नीतीश कुमार जी से नहीं है। हम लोग उनको तो आदरणीय कहते थे, लेकिन अब वो इतना पलटी मारते हैं तो हम लोग क्या करें भाई। अब वो पलटी मारते मारते बिहार के पॉलिटिकल डीएनए में पलटी बना दिए, लेकिन बिहार के लोग सतर्क हैं, बिहार के लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डीएनए खराब हो सकता है, लेकिन बिहारी का डीएनए पूरी तरह अच्छा है और इस देश को खड़ा करने वाला है साथी। और आप जानते हैं आज तो देश में 3 तरह की धारा चल रही है। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटते रहता है, अब उसको क्या कीजिएगा। 14 में कीड़ा का, 13 में जब आदरणीय नित्यानंद जी और अश्विनी चौबे जी वगैरह सरकार में भी, चौबे जी थे, सभी लोग विधायक भी थे, और बिहार में सरकार चल रही थी एनडीए का, तो नीतीश कुमार जी को उस समय प्राइम मिनिस्टर बनने का कीड़ा काटा, तो कितना सीट आया था साथियों, 2 सीट। और इस बार बिहार की जनता ने तय किया है साथियों, पिछले बार तो गलती से 2 सीट आ गया था, इस बार नीतीश कुमार को 0 पर आउट करने का काम करेगा साथियों। बिहार की जनता अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के तरफ देख रही है, बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के तरफ देख रही है। और बिहार में इसलिए मैं कहता हूं गर्व से कि जिस पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ही 34 विधायकों के साथ लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाकर राजनीतिक उत्पत्ति किया था, और नीतीश कुमार जी को भी अपने कंधे पर बैठाकर 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का भूल किया है। अब ये भूल दोबारा नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी के सभी सीटें बिहार के जीतेंगे, और 25 में नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक वजूद है उसको समाप्त करते हुए बिहार में कोई बिहार में भाजपा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनकर बिहार को डबल इंजन की सरकार दे। और इसलिए साथियों जरूरी है, कल तक हम लोग को पता नहीं चलता था, हम लोग जाते थे दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर, हम लोग जाते थे बम्बई 3000 किलोमीटर दूर,
कर्नाटक जाते थे 3,000-3,500 किलोमीटर दूर, तो लोग को दिखता था कि रोजगार वहाँ है, रोड वहाँ बन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हम नौकरी करने सब जगह जाते थे, फोर्थ ग्रेड का नौकरी करते थे, कहीं IAS IPS बुद्धि तो है, इसकी गारंटी है। बिहारियों को बुद्धि है, इसकी गारंटी है। क्यों? कि बिहार में या देश में सबसे बड़ा परीक्षा क्या होता है साथियों? UPSC का परीक्षा होता है। उसमें सबसे ज्यादा कौन पास करता है? बिहारी पास करता है। इसका मतलब हमसे ज्यादा बुद्धि देश को किसी को नहीं। यहाँ पंडित चाणक्य हुए, हम तो रूलर थे, दुनिया पे राज करते थे। आज जो भारत है, इसके 3 गुना भारत पर हम राज करते थे साथियों। लेकिन क्या कारण है कि आज हम देश में सबसे पिछड़े हो गए? नीतीश कुमार जी 18वां साल है मुख्यमंत्री का आपका, उनको पता नहीं, हमको याद भी होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आजकल उनका मेमोरी थोड़ा लॉस हो रहा है। गजनी फिल्म देखे होंगे ना, तो गजनी फिल्म में याद कीजिए, मेमोरी आमिर खान का लॉस कर जाता था, तो आजकल नीतीश बाबू का भी मेमोरी लॉस कर जाता है, उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेडिकल जांच की तो जरूरत है ही, हम लोग के आदरणीय है गार्जियन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिहार को सुंदर बनाना है साथियों, बिहार को आगे ले जाना है, इसलिए अब जरूरत है। उत्तर प्रदेश हमारा गोतिया है, जब तक गोतिया के यहाँ घर नहीं बन रहा था, रोड नहीं बन रहा था, एयरपोर्ट नहीं बन रहा था, तब तक तो हमको लगता था अरे बाप नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। लेकिन आप सोचिए 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, और उत्तर प्रदेश में कितना खर्चा हो रहा है? 41,00,000 करोड़ रुपया, मतलब 13 गुना अधिक। अब सोचिए कि मेरा गोतिया और 13 गुना अधिक खर्चा करेगा, तो हमको ईर्ष्या होगी ना जी, भले हमारे पार्टी के लोग हैं, योगी बाबा वहां और यहाँ मुख्यमंत्री योगी इंजीनियर है, मुख्यमंत्री बिहार के कौन है? इंजीनियर है, वहां बाबा है, बाबा के यहाँ 13 गुना अधिक पैसा खर्चा हो, और बिहार में नीतीश कुमार जी अपने आप को इंजीनियर कहते हैं और 13 गुना कम विकास होगा, तो सरकार बदलने की जरूरत है ना साथियों, पक्का ना? 2024 में 40 की 40 सीट जीतनी है और 2025 में नीतीश कुमार को हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत से लोग हैं, 3 तरह की धारा चल रही है। एक है मेक इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, दूसरा है ब्रेकिंग इंडिया जो भारत तोड़ो की बात करता है, और तीसरा है लुकिंग इंडिया जो सिर्फ देख रहा है। इसलिए साथियों हम लोग को विचारधारा को स्पष्ट करना है, ये जो लुकिंग इंडिया वाले लोग हैं इनसे बात कीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता एक एक जगह बूथ पर जाइए, शक्ति केंद्र पर जाइए और उनसे बात कीजिए, कहिए लुकिंग इंडिया से देश नहीं चलता है, आपको मेकिंग इंडिया बनाना है। और मेकिंग इंडिया में कैसा मेकिंग इंडिया बनाना है? सोने की चिड़िया नहीं बनाना है साथियों, जो कहता था इतिहास में कि सोने की चिड़िया भारत थी, अरे अब सोने का शेर बनाना है और शेर बनाकर इस देश को दहाड़ने का काम दुनिया में करना है।